नसीम ऐसा सलाम सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजा गोरी आप देख रहे हैं प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना ना साथी हाथ बढ़ाना प्रोग्राम हम उन कम्युनिटी के साथ करते हैं अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के लिए जो कि ज़रूरतमंद हैं या किसी भी मुश्किल का सामना करते हैं तो हम वो प्रोग्राम करते हैं तो हमारे क्रिश्चन कम्यूनिटी के लोग उनकी हेल्प करते हैं तो मैं आज बड़ा खुश हूँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ सारा जैनी गिल के घर पर और ये वो बेटी है जिनका हमने चंद माह पहले एक प्रोग्राम किया था जो बहुत ज़्यादा बीमार थी और उठ भी नहीं सकती थी नाजरीन मैं बड़ा खुश हुआ ये सुनकर कि अब वो काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद है और खुदाओं के फसल से घर का काम काज कर रही हैं और बड़ी ख़ुशी की बात है और ये वाद वो रिपोर्ट है जिसके लिए मैं बार बार इस बच्ची का गायब वगैरह पता करता था कि इस बच्ची की सूरत हाल क्या है तबीयत कैसी है और भाई मुझे बताते थे जिनका नंबर नीचे लिखा हुआ है और इस प्रोग्राम में भी मैं वही नंबर दूंगा ताकि आप सारा के साथ बातचीत भी कर सकेंगे उसे पूछ सकेंगे कि क्या इस वक्त तबीयत है उस बच्ची की क्या सूरत है और मैं आज सारा जैनी गिल के पास मौजूद हूँ नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो प्यारी बेटी ये वो बेटी है कि जिनकी हमने अपने नेशनल न्यूज़ का प्लेटफार्म पर एक रिपोर्ट चलाई जब ये बीमार थी और खुदावंत के फजल से हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी मुख्य हजरात हैं बहन भाई हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर इसका साथ दिया इसको मॉरल भी सपोर्ट की फाइनेंशियली भी की और ये बच्ची जो है पहले हम यौहानाबाद के अंदर रह रही थी खालिक नगर में और अब ये पाक अरब एफ ब्लॉक में रह रही है और मैं जब मुझे बार बार पता चलता था कि ये बच्ची जो है सारा इसकी तबीयत बेहतर होती जा रही है तो मैं बड़ा खुश होता था तो मैं आज जब भाई ने मुझे बुलाया यहाँ पर कि भाई आप यहाँ पर आएँ और बेटी को आके देखिए कम्प्लीटली काफ़ी ज़्यादा तबीयत बेहतर हो चुकी है और आप देख भी रहे हैं कि बेटी के चेहरे के ऊपर स्माइल भी है और ख़ुदा के फजल सेहत भी नज़र आ रही है तो और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो कि मेरे प्रोग्राम से बेटी की मॉरल सपोर्ट भी करते रहें और फाइनेंशली भी करते रहें तो बेटा बताइए कि क्या अभी मेडिसिन वगैरह चल रही है आपकी नो no, मैंने मेरी तरफ सबको सलाम मैंने अपनी मेडिसिन भी छोड़ दी हुई है और मैं खुदा खुदा का शुक्र करती हूँ जिन्होंने मेरी मुझे सपोर्ट किया और मेरे भाई मेरे भाई और भाभी ने तो बहुत वो मुझे छोड़ दिया था और मैं पहले यूनाबाद में रहती थी उधर से इधर भाई के पास आई भाजी के पास और मैं ठीक हूँ बिल्कुल सही कहूँ बिल्कुल ठीक तो बेटा हमारे ए, नेशनल न्यूज़ के तरफ से कुछ लोगों का पैगाम देना चाह रही हैं आप कि जिन्होंने मेरी हेल्प की आप देख सकते हैं कि मैं अब ठीक हूँ आपके आपकी, आपकी दुआओं की वजह से और बस नाजरीन ए, बेटी के पास वो अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए क्योंकि ये मुझे कह रही थी कि मैं भैया बड़े अच्छे तरीके से बोल भी रही हूँ चल फिर भी रही हूँ घर का काम भी कर रही हूँ और मैं बड़ा खुश हुआ तो ये बाबा मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रही थी कि मैं आपके नेशनल न्यूज़ का बड़ा शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपकी वजह से मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मेरी हेल्प की आ, मुझे मेडिसिन के तौर पर भी फाइनेंशली तौर पर भी और मोरल सपोर्ट पर दुआओं में याद रखा ताकि ये आप देख सकते हैं कि बेटी की जो सेहत है काफ़ी बेहतर है और मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं जब प्रोग्राम मैंने पहले किया था तो मुझे एक दो दोस्तों ने जब हेल्प के लिए कहा तो उन्होंने यही कहा कि हमारी मसीह कौम की बेटी है सारा और ये जब बेहतर तबीयत हो जाएगी तो खुदा करे कि इसकी शादी भी हो जाए क्योंकि इसके भाई ने तो इसको घर से निकाल दिया था क्योंकि माँ मा बाप सर पर नहीं थे लेकिन जो कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बेहतर होता है तो मेरा ख्याल है कि जब लोगों ने भाइयों ने मिलकर इसको बचाया और दुआओं ने बचाया और जब शादी की बात सुनते हैं तो मुझे जब भाई ने बुलाया यहाँ पर कि हम लोगों ने मिलकर एक रिश्ता भी देख लिया बेटी के लिए तो मैं बड़ा खुश हुआ तो उन्होंने बताया कि मैं हम कुछ दिनों के बाद बेटी की मंगनी भी कर रहे हैं तो मैं नेशनली उसको मंगनी पे पर बुलाऊँगा ताकि वो यहाँ पर आके देखेंगे और मैं नीचे नंबर लिख दूँगा इस वीडियो में भी और आप बाकायदा तौर पर बेटी से रबता भी कर सकते हैं हाल हवा भी पूछ सकते हैं और जो अन करीब मंगनी की जो डेट्स आने वाली हैं बेटी के लिए उसके लिए मुबारकबाद भी दे सकते हैं और मंगनी के बाद फिर इनका प्लान शादी का भी है और इसी साल के अंदर खुदावन ने अगर बेहतर किया बरकत दी और आपकी दुआओं ने साथ दिया क्योंकि आप लोगों की जो है मोरल सपोर्ट और फ्रेंडशिप सपोर्ट की अभी भी ज़रूरत है बेटी को तो मेरा ख़्याल है कि अगर इस साल के अंदर शादी का भी प्लान बन जाता है भाई की तरफ से भी और मेरा ख़्याल कि हम नेशनल न्यूज़ इस बच्ची के साथ है और इसके साथ शादी तक हर तरफ़ की सपोर्ट भी करेगा नेशनल न्यूज़ और हम लोग चाहेंगे कि आप भी दोबारा बेटी के साथ मिलकर फ़ोन करके इसकी हेल्प ज़रूर करें तो बेटा हमारी मसीह कौम को कुछ पैगाम देना चाहेंगी यही पैगाम मेरा अच्छा बस कि आपके लिए दोबारा से दुआ करें जी दुआ करें कि मेरी शादी है तो मेरी हेल्प हेल्प करें ठीक है जी ए, बहन भाइयों से दुआ की अपील की जाती है मेरा ख़्याल है कि जो बहनें जो बेटियाँ जिनकी शादी आती है तो वो अपने माँ को बाप को बहन को भाई को रिश्तेदारों को यही कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए ये चीज़ चाहिए ये चीज़ चाहिए तो मेरा ख्याल है कि बेटी ने ये जो हेल्प की बात कर दी है तो हम लोग मिलकर इस बेटी की शादी करेंगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ मुझे कैमरा मैन तारक पेरा को इजाज़त दीजिए खुदाफिज़